बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सीए के खिलाफ बुलाया बंद। दरभंगा में समर्थकों ने रास्ता जाम किया। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अररिया में रोकी गई ट्रेनें। बिहार के वैशाली में सीएए और एनआरसी के विरोध में बंद का असर दिखा। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आगजनी और सड़क जाम की। बिहार बंद के पहले जुलूस की अगुवाई तेजस्वी यादव ने की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नागरिकता कानून को समर्थन देकर वो एक्सपोज हो गए। दिल्ली में हिरासत में लिए गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। रात 3:15 जामा मस्जिद से दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर गई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रही हिंसा में पश्चिम बंगाल और असम में ट्रेनों में आगजनी से रेलवे को 88 करोड़ का नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने आज बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रियों से लेंगे कामकाज का ब्यौरा। रिपोर्ट कार्ड के बाद तय होगा मंत्रिमंडल में भविष्य। पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक आज। सीएए के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर हो सकती है चर्चा। अहम मानी जा रही है ये बैठक। कल 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी की रैली। रैली से पहले खुफिया रिपोर्ट्स के बाद आतंकी हमले का अलर्ट जारी। एसोचैम में पीएम मोदी का बड़ा बयान। ईज ऑफ डूइंग कहने में 4 शब्द लगते हैं, लेकिन इसकी रैंकिंग में बदलाव तब होता है जब दिन रात मेहनत की जाती है। उत्तर प्रदेश में आज भी सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लिया फैसला। कई इलाकों में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा भी रहेगी बंद। अलीगढ़ में इंटरनेट सेवा पिछले 5 दिनों से बंद है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया। दिल्ली गेट के पास प्रदर्शनकारियों ने कार में लगाई आग। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा का बोलबाला। वाटर कैनन और टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद तितर बितर हुई पत्थरबाज भीड़। स्थिति नियंत्रण में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लोगों को संभालने के दौरान एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर घायल। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी में लगे पत्थर। सोनिया गांधी के आरोप पर निर्मला सीतारमन का पलटवार। कहा, नागरिकता कानून पर लोगों में भ्रम फैला रही हैं सोनिया गांधी। दिल्ली में कंपकपाती ठंड के बाद घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बहुत कम। जामा मस्जिद हिंसा के बाद आज सुबह दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन खोले गए। सामान्य रूप से सेवाएं फिर से शुरू। दिल्ली नोएडा में ट्रैफिक सामान्य। दिल्ली में कोहरे ने हवाई उड़ानों पर लगाई ब्रेक। लो विजिबिलिटी के चलते 12 उड़ानें डायवर्ट की गई। सड़कों पर धुंध की चादर छाई। ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक भारत प्रदूषण के मामले में सबसे अव्वल। सिर्फ 2017 में ही प्रदूषण की वजह से भारत में 23.26 लाख लोगों की असमय हुई मौत। चौबीस दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना के 10 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ, जिनमें 7 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री होंगे। हरिद्वार में नागरिक कानून के समर्थन में साधु संतों की रैली। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कल जामा मस्जिद में हुई थी हिंसा। नागरिकता कानून पर प्रदर्शन की वजह से यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित। 22 दिसंबर को होनी थी परीक्षा। एमपी में भी भड़की नागरिकता संशोधन पर हिंसा की आग। जबलपुर के 4 थानों में कर्फ्यू जारी। भोपाल कलेक्टर ने की शांति की अपील। यूपी के सीतापुर में एक महिला को दिन दहाड़े गोली मारी। हमलावर ने महिला को गोली मारी। कस्बे में फायरिंग की वारदात से हलकंप मचा। यूपी के सहारनपुर में प्रदर्शन के दौरान दीवार के अचानक गिरने से हुआ हादसा। कई लोग दबे। घटना के बाद दीवार के नीचे मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर बड़ी चूक। नहीं चली पुलिस वालों की रबर वाली बंदूकें। हाईटेक पुलिस की खुली पोल। उत्तर प्रदेश के भदोही में नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन। भीड़ ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जुमे की नमाज के बाद आगजनी और तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव। कई घायल।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में CAA के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने किया बल प्रयोग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में CAA के विरोध में पत्थरबाजी, पुलिस ने पत्थरबाजों पर भांजी जमकर लाठियां। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में CAA के विरोध में कई जगहों पर पथराव और आगजनी, दर्जनों वाहनों को किया गया आग के हवाले। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सिटीजनशिप एक्ट के विरोध में पुलिस पर पथराव, पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। CAA का विरोध करने वाले 8 प्रदर्शनकारियों को लगी गोली, हैलेट अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस वाहन के शीशे तोड़े, कई पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान के बीकानेर में सिटीजनशिप एक्ट के विरोध में कई गाड़ियों में तोड़फोड़, कई दुकानों में भी जमकर मचाया उत्पात। राजस्थान के जोधपुर में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध, जालोरी गेट पर हुआ पथराव, पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा। यूपी के सीतापुर में पुलिस के फ्लैग मार्च के दौरान लगे सरकार विरोधी नारे, तिरंगा लेकर मुस्लिम नौयुवकों ने सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ड्रोन के साथ पुलिस पेट्रोलिंग, कमांडो के साथ पुलिस कर रही है गश्त। नागरिकता कानून के विरोध में 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस का भोपाल में पैदल मार्च, सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर के कार्यकर्ता होंगे शामिल, शिवराज का वार, प्रदेश को अशांत करना चाहती है कांग्रेस। CAA और NRC को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी, नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का दिया भरोसा, तेजस्वी ने पूछा बीजेपी के साथ रहकर कैसे दे सकते हैं भरोसा। CAA के विरोध पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान, हिंसक प्रदर्शन केंद्र के जनविरोधी फैसले का नतीजा, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का हक, पब्लिक की बात सुने मोदी सरकार, कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के साथ। CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लोगों के मन में जो डर है उसे दूर करने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी शरणार्थियों से की मुलाकात, 7 पाकिस्तानी शरणार्थियों को दिए नागरिकता सर्टिफिकेट। दिल्ली NCR, जम्मू कश्मीर, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकल आए लोग। 2014 में 66% से ज्यादा हुई थी वोटिंग, 23 दिसंबर को आएगा विधानसभा चुनाव का परिणाम। ओडिशा के चांदीपुर से पिनाक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण, DRDO ने तैयार की है मिसाइल। बिहार बंद से पहले तेजस्वी यादव ने निकाला मसाल जुलूस, कहा CAA और NRC से मुसलमानों के साथ दलित और पिछड़ों का भी नुकसान, बाढ़ प्रभावित लोग कहां से लाएंगे कागजात। फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट केस में 13 साल बाद फैसला, दोनों दोषियों को उम्र कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना, तीसरा आरोपी बरी। रुद्रप्रयाग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, पूरे जिले में शीतलहर का प्रकोप। उद्योग जगत में मंदी के सवाल पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, कहा भारत की अर्थव्यवस्था मंदी से निपटने में सक्षम, ये दौर अस्थायी है, जल्द बेहतर होंगे हालात। नागरिकता कानून पर गुजरात के बनासकांठा में हिंसा के मामले में 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, विधायक जिग्नेश मेवाणी के करीबी को पुलिस ने बनाया मुख्य आरोपी, अहमदाबाद हिंसा के मामले में 5,000 पर केस, 49 गिरफ्तार। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी का पैदल मार्च, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में निकली रैली, पुनिया ने कहा कानून को लेकर कांग्रेस कर रही भ्रमित। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के सभी दोषियों को फांसी की सजा, 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट, 80 लोगों की हुई थी मौत। जयपुर के जालिमों को सजाए मौत पर सीएम गहलोत का बयान, कहा कानून ने किया अपना काम, दोषियों को मिली है उनके कृत्यों की सजा, जयपुर को आखिरकार मिल गया इंसाफ। सीएम गहलोत ने आवासीय योजनाओं को किया लॉन्च, शिक्षकों और पुलिस कर्मियों को मिलेगा आवास, UDH मंत्री शांति धारीवाल रहे मौजूद। विपक्ष के हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही, शिवराज सिंह का आरोप, परेशान है ईमानदार अधिकारी, वल्लभ भवन बना दलालों का अड्डा। छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण में सीटी सरकार का संग्राम, आज शाम 5 बजे तक होंगे मतदान, 151 निकायों में जनता चुनेगी अपने प्रतिनिधि, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दंतेवाड़ा में कुटनेम के जंगलों में 2 किलो IED के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार, गिरफ्त में आए नक्सलियों पर कई केस दर्ज, 2 नक्सली पर है 1,00,000 का इनाम।
रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगी भारत में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख रेनाटा लोक डेसालियन। संस्कृति विभाग के सचिव ने दिल्ली में की मुलाकात, कार्यक्रम का दिया न्योता। मध्य प्रदेश के बड़वानी में फिर सामने आई शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें। कहीं झोपड़ी में चल रहा है स्कूल तो कहीं पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं टीचर्स, बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव। बापू की 150वीं जयंती पर मध्य प्रदेश में पोस्टल स्टाम्प का विमोचन। सीएम कमलनाथ ने किया कस्टमाइज माय स्टाम्प टिकट का लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष बोले, सदन में एक दिन सभी विधायक पहन के आएंगे खादी। भोपाल में बिजली कंपनी के डीजीएम के खिलाफ कार्रवाई। समीर कुमार शर्मा के घर की गई छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कसा शिकंजा। महिलाओं के प्रति अत्याचारों की बढ़ती घटनाओं के लिए भौतिक संस्कृति और टीवी जिम्मेदार। रायपुर में एक कार्यक्रम में बोले ताम्रध्वज साहू, कहा लड़कों को संस्कारों की ज्यादा जरूरत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त। 1500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का राज्य सरकारों पर आरोप, प्रदेश की सरकारें जमाखोरों पर नकेल कसती तो प्याज के रेट इतने नहीं बढ़ते। राजस्थान के फलौदी में दुष्कर्म का विरोध, लोगों को पड़ा भारी। प्रशासन ने प्रदर्शन करने वाले 150 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। राजस्थान के झुंझुनू में दूल्हे ने पेश की मिसाल, दहेज में लिया 1 रुपया और नारियल। झारखंड के गिरिडीह में निर्वस्त्र महिला का मिला शव। महिला के शरीर पर मिले गंभीर जख्मों के निशान। पुलिस ने जताई पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका। हैदराबाद पुलिस ने हवाला रैकेट का किया भंडाफोड़। 1 करोड़ रुपए के साथ 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस पूरे गिरोह की तलाश कर रही। आंध्र प्रदेश में नई राजधानी बनाने को लेकर एक्सपर्ट कमेटी से मिले सुझाव। अमरावती में विधानसभा, मंगलागिरी को प्रशासनिक और विशाखापट्टनम को समर राजधानी बनाने का सुझाव। त्रिवेंद्रम में कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल को किया गया डिटेन। वेणुगोपाल सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा सोना और विदेशी मुद्रा। 46 लाख की इंडियन करेंसी और 51 लाख का सोना बरामद। आय से अधिक संपत्ति मामले में तेलंगाना के एडिशनल एसपी नरसिम्हा रेड्डी गिरफ्तार। एसीबी अधिकारियों ने जब्त की संपत्ति। आंध्र प्रदेश की राजधानी के नाम को लेकर एक्सपर्ट टीम ने मुख्यमंत्री जगन को सौंपी रिपोर्ट। 27 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग में तय हो सकता है राजधानी का नाम। तमिलनाडु के चेन्नई में सीएए का विरोध करने वाले 600 प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज। कई बड़े कलाकारों का नाम एफआईआर में शामिल। डीएमके ने सीएए के विरोध प्रदर्शन के लिए कमल हासन का मांगा साथ। 23 सितंबर की रैली के लिए विपक्ष को साथ आने को कहा। कर्नाटक के गृह मंत्री का मंगलोर में हुई हिंसा पर जवाब, कहा केरला से आकर लोगों ने किया बवाल, 4 दिन से बना रहे थे प्लानिंग। तमिलनाडु में 2 जनवरी तक सभी कॉलेज रहेंगे बंद। पंचायत चुनाव और सीए को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार का निर्णय। आंध्र प्रदेश का ऑपरेशन डॉल्फिन रहा कामयाब। नेवी से जुड़े 7 लोगों को हवाला रैकेट से संबंध रखने के मामले में किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर। प्रेमिका की मौके पर हुई मौत, प्रेमी की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के अमरावती के 29 गांवों के किसानों ने सचिवालय तक निकाला मार्च। सीएम जगन के 3 राजधानी के फॉर्मूले का जताया विरोध। चीन के विदेश मंत्री वांग यी विशेष प्रतिनिधि वार्ता के तहत सीमा विवाद पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से आज करेंगे बातचीत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगातार बर्फबारी हो रही है। न्यूयॉर्क के रिहायशी इलाकों में भी यही हालत। सड़कों का रंग बर्फ से सफेद हो चुका है। बर्फबारी के बाद चीन का हेई लॉन्ग जियांग के सभी घर और सड़क पर बर्फ की चादर बिछी। सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में न्यूपोर्ट बीच पर नावों की क्रिसमस परेड हुई। रंग बिरंगी लाइटों से उन्हें सजाया गया। कहीं चमकते क्रिसमस ट्री लगे तो कहीं सफेद लाइट से बने स्नोमैन। पेरू के लाल लिबर्तार्द में बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने। नदी के तेज बहाव के साथ सड़क टूटकर बही, नदियां उफान पर। हर तरफ जमीन में जबरदस्त कटाव, कई जगह लैंडस्लाइड भी। अफगानिस्तान के काबुल के हिंदकुश इलाके में जमीन से 225 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र। शाम 5:12 पर रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता वाला भूकंप।
भूकंप से झूला पाकिस्तान, लाहौर से क्वेटा इस्लामाबाद तक महसूस किए गए झटके। फिर यूएन की शरण में पहुंचा पाकिस्तान, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का दावा, सीमा पर मिसाइल तैनात कर रहा भारत। अपने ऊपर महाभियोग चलाने पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, महाभियोग झेलने के लिए तैयार, डेमोक्रेट को जो करना है जल्दी करे। ऑस्ट्रेलिया में आग का कहर जारी, आग के कारण दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में आपातकाल लागू, प्रधानमंत्री ने छुट्टियां की कैंसिल। प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तुर्की से और प्याज मंगाएगा भारत, 12,500 टन प्याज करेगा निर्यात। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अगले साल अप्रैल से कंपनी का शीर्ष पद छोड़ देंगे, 1 अप्रैल 2020 से आनंद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन नहीं रहेंगे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 8 जनवरी 2020 में बुलाई हड़ताल, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने दी जानकारी, AIBEA की ओर से बुलाई जा रही है हड़ताल। इंडिया में 5 साल में 5G मोबाइल सेवा शुरू, 5.23 लाख करोड़ के टेलीकॉम स्पेक्ट्रम बेचने को मोदी सरकार की मंजूरी। साल 2020 में 3.25 लाख करोड़ रुपए के स्मार्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उपकरण खरीद सकता है भारत, मार्केट रिसर्च कंपनी टेकआर्क ने इंडिया कनेक्टेड कंज्यूमर डिवाइसेस रिपोर्ट में कहा। आईसीसी के महिला T20 विश्व कप में मिला यूनिसेफ का साथ, क्रिकेट के जरिए महिला और कन्या सशक्तिकरण पर होगा फोकस। ओलंपिक क्वालिफायर के लिए मैरीकॉम को देना होगा ट्रायल, मैरीकॉम का नाम सीधे भेजने वाली बात से BFI ने मारी पलटी।